जय जगन्नाथ। आज जानिबा लाइटिंग आरिस्टर कौन आ सर्ज आरिस्टर कौन। सर्ज आरिस्टर जान को जगार लगे ट्रांसमिशन लाइन आ सबस्टेशन कही सर्ज आरिस्टर यही जगार लगे। तो आज जानिबा लाइटिंग आरिस्टर आ सर्ज आरिस्टर भितर डिफरेन्स कौन। गूगल रे कि यूट्यूब रे जदि सर्च कर लाइटिंग आरिस्टर कौन से सर्ज आरिस्टर को भी सुधा लाइटिंग आरिस्टर रे देखेइबो। किंतु सतर कौन सर्ज आरिस्टर जहाँ लाइटिंग आरिस्टर से या ना दीटा जाक अलग अलग। तो आज जानिबा लाइटिंग आरिस्टर कौन ता काम कौन सर्ज आरिस्टर कौन ता काम कौन आ दीटा भितर डिफरेन्स कौन लाइटिंग आरिस्टर विथ सर्ज आरिस्टर। चलो यही वीडियो रे जानिबा। लाइटिंग आरिस्टर हिंदी आउ ओडिया रे कौन कहा जाए। लाइटिंग आरिस्टर तो इंग्लिश वर्ड एटा दीटा वर्ड को नहीं कि कौन गोटे लाइटनिंग आ गोटे आरिस्टर। लाइटिंग रो ओडियाटा होची बिजुली आ हिंदीटा होची आकाशीय बिजुली आउ आरिस्टर माने गिरफ आ ओडियाटा धरी नेबा। तो आकाशीय बिजुली गिरफ हिंदी आ ओडिया रे होची बिजुली धरी नेबा ताकु लाइटिंग आरिस्टर इंग्लिश रे कहते। तो ये जो फोटोटा देखुचंती ए फोटो जो त्रिशूल भलिया हेची मुन बाहरी आकु कुआ जाए लाइटिंग आरिस्टर। एटा जो भी देखिबो घर मानकर देख किंबा कोनोसी प्लांट मानकर देख जे कोनोसी जगार जदि एई भली हाइट एरिया रे लागिथिबार देखिबो ताकु कुआ जाए लाइटिंग आरिस्टर। तो यार काम कौन आ ये केमिति काम करे। यार काम होची प्रॉपर्टी जे कोनोसी प्रॉपर्टी को ये सुरक्षा दबो। से घर हेथाउ से प्लांट हेथाउ से बड़ बड़ टावर हेथाउ जे कोनोसी जिनिस बा कहा कु सुरक्षा से दबो ना हाई वोल्टेज रु ये सुरक्षा दबो। लाइटिंग माने आकाशीय बिजुली बा जो घड़घड़ी चड़चड़ी मारे सी होची माने सबुठारु अधिक वोल्ट जेतेबेले वर्षा हुए किंबा वर्षा उठे थाए सेतिकी बेले देखिथिबा आकाशरे बिजुली मारे आ घड़घड़ी मारे तो सी होची सबुठारु अधिक वोल्टेज। तो सेई घड़घड़ी रु सुरक्षा दबा पाई आमे लाइटिंग आरिस्टर व्यवहार करते। तो ये कौ जगार लगे ना आमे जे कोनोसी प्रॉपर्टी रो जेती की हाइट ताठारो अधिक हाइट रे एटा लगे। तमे देखिथिबा बड़ बड़ टावर मानकरे सबा ऊपर लगे किंबा बिल्डिंग मानकरे जोठे बड़ बड़ बिल्डिंग थाए तीन ताला बिल्डिंग चार ताला पांच ताला ताठारो अधिक बिल्डिंग थाए टॉप ऊपर लगे प्लांट मानकर टॉप ऊपर लगे। तो लाइटिंग आरिस्टर सदा बेले आमे जो प्रॉपर्टी ऊपर लगेबा को चाहूचंती सेई प्रॉपर्टी रो जेतिक हाइट ताठारु अधिक हाइट रे लगे। तो जानिले लाइटिंग आरिस्टर कौन आउ तार काम कौन ना हाई वोल्टेज बाहर हाई वोल्टेज रु सुरक्षा देबा पाई आमे लाइटिंग आरिस्टर लगे थांती बा लाइटिंग आरिस्टर रो काम। एबे जानिले लाइटिंग आरिस्टर कौन तापर जानिबा सर्ज आरिस्टर कौन आउ ता काम कौन कौ जगार लगे। ए जो फोटो देखुचंती ए फोटो होची सर्ज आरिस्टर आकु कुहा जाए सर्ज आरिस्टर। सर्ज आरिस्टर डिजाइन रे बहुत अच्छे पांच प्रकार दस प्रकार पंदर प्रकार अच्छे डिजाइन नहीं के किंतु प्रत्येक सर्ज आरिस्टर गोटे काम। एटा जो देखुचंती ये भी सर्ज आरिस्टर आकु भी सर्ज आरिस्टर कुहा जाए। ये जो फोटो देखिले ये फोटो को भी सर्ज आरिस्टर कहा जाए। तो सर्ज आरिस्टर रो काम कौन लाइटिंग आरिस्टर रो काम जहाँ सर्ज आरिस्टर रो काम से किंतु वर्किंग प्रोसीजर अलग या काम अलग डिफरेन्स हम आउ सर्ज आरिस्टर रो काम अलग डिफरेन्स। तो ये काम कौन करे ना ये भी से हाई वोल्टेज रु सुरक्षा दिए किंतु काम टिके अलग कौन ना ये होची बिजुली लाइटिंग आरिस्टर बिजुली मारिले बा बिजुली द्वारा हाई वोल्टेज हेले ताकु प्रॉपर्टी के सुरक्षा दिए बाहर। ये सर्ज आरिस्टर भितरु सुरक्षा दिए
କେମିତି ନା ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବସେ ବା ଚାରିଟା ଜାଗା କହିଲେ ଚଳିବ କ'ଣ ନା ହାଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁରେ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବା ହୋମ୍ ଘରମାନଙ୍କରେ ବସେ ଶହେରୁ 90% ଜାଣିନଥିବେ ଘରେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର କେଉଁଠି ବସେ କହି ରଖୁଛୁ ଏଠି ଘରମାନଙ୍କରେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ମିଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଉଟପୁଟ ତାର ଆଉ ବସିଥିବା ବ୍ରେକର MCB ହଉ କିମ୍ବା RCB ହଉ କିମ୍ବା ELCB ହଉ ମିଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାର RCBରୁ ଇନ୍ ହଉଥିବା ତା ମଝିରେ ବସେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ମିଟର ଆଉ ବ୍ରେକର ମଝିରେ ବସେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ଘରମାନଙ୍କ ସବଷ୍ଟେସନରେ କେଉଁଠି ବସେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ସବଷ୍ଟେସନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆସୁଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ସବଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ତା କାମ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲାଗେ ତ ଫେରିବା ଫେରେ ଏଇଠିକି ସବଷ୍ଟେସନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର କେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ ସବଷ୍ଟେସନ ଟାୱାରରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସେ ପ୍ଲସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରନ୍ତି 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ବସାନ୍ତି ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ହଉ କି 100 କିଲୋମିଟର ହଉ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ବସାଯାଏ ତ ଏଠି ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର କେମିତି ହିସାବରେ କାମ କରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତାକୁ କେମିତି ମିଳେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆମେ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ବସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରୁ ଅଧିକ ପଳିଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ତିଆରି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର 11 KV ପାଇଁ 33 KV ପାଇଁ 66 132 440 KV ପାଇଁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ 33 KV ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ବସିଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ 33 KV ବଦଳରେ 66 KV ପଳି ଆସିଲା ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯିବ ପ୍ରଥମେ ତ ହିଟ୍ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ବସେଇଛନ୍ତି ତ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା MOV ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ତ ଗୋଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ MOV ଥାଏ MOV ଗୋଟେ MOVରୁ ଆଉ ଗୋଟେ MOVକୁ ଏୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ 66 KV ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ପଳି ଆସେ 33 KV ଲାଇନ୍ରେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଆଗକୁ 33 KV ଯିବାକୁ ଦିଏ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦିଏ ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଥିବ ଏ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଛି ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କେବୁଲ୍ ଲଗାଇବା ତଳ ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଇଏ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର କ'ଣ ନା ସେ ଅଲଗା ମେଥଡ଼ରେ କାମ କରେ ଆକାଶୀୟ ବିଜୁଳିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଇଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ଭିତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସେ କେବୁଲ୍ରେ 33 ବଦଳରେ ଯଦି ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲା ସେ 33 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ବାକି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ନା ସପୋଜ୍ ଘରେ ଆମେ ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର ତ ବାହାରେ ବସାଇଦେଲେ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଛାତ ଉପରେ ହାଇଟ୍ରେ ମ୍ୟାନ୍ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ବସାଇଦେଲେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର ତା'ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଦେଲା ଇଏ ହେଲା ଘର ବାହାର ସୁରକ୍ଷା ତ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୁଲିଛି ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଲିଛି ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ TV ଫ୍ରିଜ୍ ଚାଲିବାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ଆସିଛି ଯଦି ତା ଦେହରେ 220 ବଦଳରେ 440 ପଳି ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ଏଥର ଜାଣିଲେ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟରର କାମ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଏ ଏବେ ଜାଣିବା ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର ଆଉ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ 100 ରୁ 80 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରାଯାଏ ଲାଇଟିଂ ଆରିଷ୍ଟର ଆଉ ସର୍ଜ ଆରିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ
से ITI लेवल हो कि डिग्री हो कि डिप्लोमा हो सबुठी ही पचरा जाए लाइटिंग आरिस्टर सर्ज आरिस्टर भितर डिफरेंस माने समस्ते अक्सर माने 100 रु तो 80टा इंटरव्यू रे पचरा जाए किंतु 80टा धर 100 पिला रु 60 पिला कि 70 पिला आंसर दियंती लाइटिंग आरिस्टर आ सर्ज आरिस्टर दुईटा जांक सेम वर्किंग सेम सबु सेम किंतु एटा भूल सर्ज आरिस्टर अलग लाइटिंग आरिस्टर अलग तादे डिफरेंस कौन प्रथम डिफरेंस होची डिजाइन बा मटेरियल सर्ज लाइटिंग आरिस्टर वन मटेरियल बा गोटिए मेटा मटेरियल रे तयारी से कॉपर हो कि पीतल हो कि बायमेटालिक हो गोटिए मटेरियल रे तयारी किंतु सर्ज आरिस्टर 3 रु अधिक मटेरियल रे तयारी एटा होची प्रथम ये गोटी लाइटिंग आरिस्टर गोटिए मटेरियल रे तयारी सर्ज आरिस्टर रे 3 रु अधिक मटेरियल रे तयारी द्वितीय कथा हला लाइटिंग आरिस्टर कोनोसी पर्टिकुलरली वोल्टेज पई डिजाइन करा जाए नाही बा तयारी करा जाए नाही लाइटिंग आरिस्टर कोनोसी वोल्टेज पई तयारी करा जाने से खाली ओनली हाई वोल्टेज माने हाई वोल्टेज से बिजुली जेते वोल्टेज रही थाउ ना काकी से ताको धरि की ग्राउंड करिवो किंतु सर्ज आरिस्टर पर्टिकुलर गोटे वोल्टेज पई ही डिजाइन करा जाए से 220 हो कि 440 हो कि 11 के भी 33, 66, 132, 220, 440 के भी पई डिजाइन करा जाए आमे 33 के भी रो लाइटिंग सर्ज आरिस्टर 66 रे लगे पारिबा ना 66 रो 132 रे लगे पारिबा ना 132 11 रे लगे पारिबा ना तो दीटा जांको डिजाइन अलग अलग ये पर्टिकुलर गोटिए सिंगल पई डिजाइन करा जाए आ ये प्रत्येक वोल्टेज पई डिजाइन करा जाए प्रत्येक वोल्टेज पई अलग अलग सर्ज आरिस्टर अछि द्वितीय कोन सबुठारु मोस्ट तृतीयटा सबुठारु मोस्ट जदि कोनोसी इंटरव्यू रे पचरा गला लाइटिंग आरिस्टर आउ सर्ज आरिस्टर भीतर डिफरेंस कोन प्रथमे सिंगल वर्ड रे कहिबो कोन ना लाइटिंग आरिस्टर प्रॉपर्टी रो बाहरु सुरक्षा देथाय सर्ज आरिस्टर प्रॉपर्टी को भितरु सुरक्षा देथाय एटा होची सिंगल वर्ड जे इंटरव्यू रे त आउ 1 रु 2 रु 3 रु अधिक कहिबो ने गोटियो वर्ड रे कहिया को गले लाइटिंग आरिस्टर प्रॉपर्टी रो प्रॉपर्टी को बाहरु सुरक्षा देथाय सर्ज आरिस्टर प्रॉपर्टी को भितरु सुरक्षा देथाय चतुर्थ रे कोन ना लाइटिंग आरिस्टर कोनोसी प्रॉपर्टी रो टॉप ऊपर लागी थाय किंतु सर्ज आरिस्टर प्रॉपर्टी रो आरंभ रु लागी थाय से टॉप हो कि मिडिल हो कि लो हो कोन हला ना प्रॉपर्टी रो लाइटिंग आरिस्टर प्रॉपर्टी रो टॉप ऊपर लागे थाय आ सर्ज आरिस्टर प्रॉपर्टी रो आरंभ रु लागे थाय बा प्रॉपर्टी के जायथिबा सप्लाई केबल रो आरंभ रु लागे थाय ये हे गला चतुर्थ पंचम कोन लाइटिंग आरिस्टर रे सप्लाई देई की जाई न थाय से हाई वोल्टेज हो कि लो वोल्टेज हो लाइटिंग आरिस्टर रे सप्लाई देई की जाई न थाय किंतु सर्ज आरिस्टर रे सप्लाई देई की जाई थाय एटा होची पांचटा पॉइंट पांचटा पॉइंट रे तृतीय नंबर पॉइंट होची सबुठारु इंपोर्टेंट बा गोटिए वर्ड रे सिंगल वर्ड रे कहिया को गले जदी कोनोसी इंटरव्यू रे पचरा जाय कि लाइटिंग आरिस्टर आ सर्ज आरिस्टर भितरे स डिफरेंस कौन सिंगल वर्ड रे कहिया को गले लाइटिंग आरिस्टर प्रॉपर्टी रो बाहर सुरक्षा देथाय आउ सर्ज आरिस्टर प्रॉपर्टी रो भीतर सुरक्षा त आज जानिले लाइटिंग आरिस्टर कौन सर्ज आरिस्टर कौन तांकर काम कौन आउ सबुठर मेजर डिफरेंस जानिले पांचटा जदी आमे बा जाई करिक देखि परंती गूगल रे सर्च करि परंती यूट्यूब रे भी सर्च करि परंती लाइटिंग आरिस्टर आउ सर्ज आरिस्टर डिफरेंस बा लाइटिंग आरिस्टर कौन त 100 रु 99 यूट्यूब रे 100 रु 99 वीडियो आसीबो लाइटिंग आरिस्टर सर्ज आरिस्टर सेम बा फोटो भी आसीबो लाइटिंग आरिस्टर सर्ज आरिस्टर सेम बोले किंतु ना सेम नुहे जदि बा कोनोसी परीक्षा रे पढे तमे सेम लेखि देलो तो कोनोसी मार्क मिलिबो नै आ जदि बा इंटरव्यू रे पचरा जाय क्वेश्चन जदि सेम कह देलो ताले क्वेश्चन आंसर टी रॉन्ग हे दीटा जंको कदापि सेम नुए यार वर्किंग प्रोसीजर अलग आर वर्किंग प्रोसीजर अलग किंतु समस्त सेम काहे कि कुवंती ना ये भी सही ओ हाई वोल्टेज रु सुरक्षा दबो से भी सही हाई वोल्टेज रु सुरक्षा दबो सेति लागि समस्त सेम बोली कुवंती किंतु कदापि सेम नुए जानि रख दीटा जंको अलग अलग पूर्ण थरे कहि रखुची लाइटिंग आरिस्टर रो काम होउची प्रॉपर्टी रो बाहर सुरक्षा दबा
आउ सर्ज आरिस्टर काम होची प्रॉपर्टीर भितर सुरक्षा दबा। आउ गोटे क्वेश्चन आसे कौन आम घर मानक सर्ज आरिस्टर बसई था कि हाँ येस घर मानक सर्ज आरिस्टर बसई था कौटी ना मीटर आउटसाइड आउ ब्रेकर इनसाइड पूर्वर मीटर आउटसाइड पूर्वर आउ आउटसाइड पर आउ मीटर ब्रेकर इनसाइड पूर्वर सर्ज आरिस्टर बसी था। आ लाइटिंग आरिस्टर कौटी ना घर सबा टॉप उपरे लाइटिंग आरिस्टर लगता है एटा भी क्वेश्चन आस। तो आज जान लु लाइटिंग आरिस्टर सर्ज आरिस्टर विषय भिडियोटी शेष करने पूर्व कही रखुची लाइक आउ सब्सक्राइब करदे। हाँ आउ गोटे कथा ये किछि दिन हम 10-14 दिन भितर कौन सी भिड आसीना कारण मुझे पलैली बाहर को कौन सी कम तो से लगे भिड आसी पारिना आग को प्रति दुई दिन में थे लेखा भिड आसव तो जीवा पूर्व सब्सक्राइब आउ लाइक करदे। कौन सी विषय जदि भिड दरकार बा कौन से काम विषय हो किंबा कौन से इंस्ट्रूमेंट विषय हो पूरा ओडिया रे डिटेल्स वीडियो दरकार ताले कमेंट माध्यम रे जणातु प्रत्येक रविवार दिन तारी उपरे गोटे गोटे डेडिकेटेड वीडियो आसी से जे कौन से इंस्ट्रूमेंट हो किंबा जहाँ भी हो जदि जानिबाकु चाहूचंती ताले कमेंट माध्यम रे बतांतु कोहंतु प्रत्येक रविवार दिन तारी उपरे पूरा डेडिकेटेड वीडियो जीवा पूर्वर आउ थरे कहि रखुचे लाइक आउ सब्सक्राइब कर दियंतु आउ बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। जय जगन्नाथ।